तो हाँ जी नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर हम आए हैं गुडविल मशीन टूल्स लुधियाना में। तो इनकी आज जो कुछ नई वैरायटीज़ आई हैं तो उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे और ऑनर से भी मिलवाएंगे और क्या क्या रेंज है, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं और क्या क्या सर्विसेज हैं इनके पास, तो उनके बारे में भी इनसे डिटेल में बात करेंगे। तो करते हैं वीडियो को शुरू। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ पे आपको टूल्स के रिलेटेड, कार्स के रिलेटेड सारी अपडेट और नए से नए अपडेट्स सभी मिलेंगे इसी चैनल पे। तो जैसे आप देख रहे हैं कि गुडविल मशीन टूल्स में भी काफ़ी ब्रांड्स हैं और सारी डिटेल हम यहाँ के ओनर के साथ बात करेंगे और उनसे लेंगे और आने वाली वीडियोज़ में इन सारे प्रोडक्टों को हम डिटेल से रिव्यू भी करेंगे। तो करते हैं वीडियो के शुरू, चलते हैं ओनर के पास। तो सर नमस्कार जी। नमस्कार सर, थोड़ा ऑडियंस को अपने और अपने शॉप के बारे में बताएं सर। हाँ जी सर, मेरी शॉप का नाम है गुडविल मशीन टूल्स। जी सर, ये गिल रोड पे लोकेटेड है जी लुधियाना। जब आप गिल रोड से विश्वकर्मा चौक की तरफ जाओगे, उससे मान लो सिर्फ 100 से 150 मीटर की डिस्टेंस पे जी हमारी शॉप लोकेटेड है, बहुत मशहूर। आप किसी से भी पूछ सकते हो हमारी शॉप के बारे में, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक सर, और आपका गुड नेम? माय गुड नेम इज साजन। साजन जी, तो साजन जी थोड़ा व्यूअर्स को बताएं शॉप में आप भी किन किन चीज़ों में डील करते हैं। और ऐसा करते हैं, पूरी शॉप की टूर पर चलते हैं। ठीक है सर, इससे लोगों को हमारी वैरायटी के बारे में भी प्रॉपर पता लग जाएगा, किस चीज़ में डील करते हैं और सारी मशीन्स का भी पता लगता रहेगा। ठीक, बिल्कुल राइट सर। अब स्टार्ट करते हैं, इस सेक्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक सर, पहले सर ये मशीन आएगी जी, इसको आदिका वर्मा बोलते हैं। ठीक सर, आदिका की कैपेसिटी का 13 mm। ठीक सर, 13 mm इसकी कैपेसिटी है, ये 16 mm तक वर्मा मार सकती है मैक्सिमम साइज। ठीक सर, इसमें मोटर ऑलरेडी फिट है। ठीक है, पूरी सिस्टम है इसमें। ठीक है जी, और इसमें जो स्पीड आएगी वो 5 तरह की स्पीड आएगी। आप आगे आके दिखाइए, यहाँ पे स्टिकर लगा हुआ है। ठीक सर, दिखाओगे कौन सी पुली पे कौन सी स्पीड चलेगी, सारी चीज़ पे लिखा आएगा। ठीक है, तो जैसे व्यूअर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी स्पीड्स के बारे में मेंशन किया हुआ है। जैसे तो पहले तो था वर्मा लो, मोटर लो, पुली लगाओ, टाइम की वेस्टेज जी जी और जी, महंगा भी पड़ता था जी। और इसकी कीमत भी बहुत नॉमिनल, अराउंड 6500 rupees की सिर्फ कीमत है। ठीक सर, सारा कुछ इंक्लूड है। सिर्फ 6500 में? सर सिर्फ 6500 में सारा कंप्लीट वर्मा मिलेगा आपको, 16 mm तक का वर्मा मारने के लिए। ठीक सर, उसमें सर ने ये मशीन खुद तैयार की है जी सर। इस मशीन में जो आगे पंप आते थे एग्रीकल्चर स्प्रेयर पंप जी जी, टेक्नोलॉजी है वही है। ठीक सर, वही सेम हेड है, पित्तल का पूरा हेड है इसका। ठीक सर, 2.5 HP की मोटर है इसको। ठीक सर, और इसका जो प्रेशर है 180 से 200 bar है। ये कार वॉशिंग के लिए यूज होता है, सर्विस सेंटर में। सर्विस सेंटर में मतलब प्रोफेशनली यूज करना हो, यूज करना हो घर पे या सर्विस सेंटर में यूज करना हो तो ये वॉशर यूज होता है। ठीक, आप इसका हेड देख सकते हो, इस वॉशर का ये इसका हेड आएगा। ठीक सर, 2.5 HP की मोटर है, कैपेसिटर है, सब कुछ साथ में इसके साथ में। ठीक सर, कोई भी आप गन लोगे, पाइप लोगे, फॉर्म गन होगी, सारा कुछ इसमें इंक्लूडिंग है। अच्छा, इंक्लूडेड भी आएगा इसके। तो ये किस प्राइस रेंज में है सर? सर ये जो इसका रेंज है अराउंड 7000 रेंज है इसकी। ये सर सारा कुछ जो आप बता रहे हैं जो प्राइसेस, इनमें GST इंक्लूड है सर, टैक्सेस इंक्लूड है कि वो एक्स्ट्रा है? वो एक्स्ट्रा होंगे जी। ठीक, अगर हमारा कोई सर व्यूअर आपसे इसको मंगवाना चाहता है ऑनलाइन? हम सर ऑल ओवर इंडिया और हिंदुस्तान में बेचते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है सर, लाइक लोकल अगर पंजाब वगैरह में नज़दीक तो बस पे भी भेज देते हैं माल। ठीक है सर, अगर कहीं दूर वाला ट्रांसपोर्ट में माल बुक होगा आपका। ठीक, अगर वो ट्रांसपोर्ट का फिर जो चार्जेस होंगे सर वो कस्टमर भी कस्टमर पे करेगा जी। तो ठीक है, वो मतलब हमारा काम है सिर्फ यहाँ पर बुक करवाना यहाँ से, बाकी सारा कस्टमर। आगे चलते हैं। ठीक, आगे हमारे पास बेंच ग्राइंडर में भी डील करते हैं हम। ठीक सर, 4 inch, 6 inch, 8 inch, 10 inch, 1 HP, 2 HP। ठीक है, सारे हमारे पास होते हैं। ठीक सर, हाँ जी, फिर ये मशीन आएगी, इसको बोलते हैं चौकाठों में सुराख मारने वाली मशीन है। ठीक है सर, वो मशीन नहीं आएंगी सर जी जी। ठीक है जी, फिर उसके बाद हमने ये मशीन बनाई है, इसको बोलते हैं डोर मोटराइजर। अच्छा सर, ये मैंने खुद तैयार की है, जैसे आप पढ़ सकते हो ब्लैक एंड टाइगर, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है, अपना ब्रांड है, खुद का मैन्युफैक्चरिंग है हमारी। इसका यूज़ ये होता है कि दरवाजे में जो लॉक निकालते हैं ये इसको फंसा के इसमें, ये इसकी बिट होगी, ये इसमें लगेगी, इसको ड्रिल में पकड़ा जाएगा और यहाँ पे बिट लगेगी, जो आम इसमें बिट देंगे हम, 3 bit फ्री होंगी आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी साथ में। ठीक है, उसको दरवाजे में लगा के आप डोर निकाल सकते हो, जैसे पहले हाथ से काम करना पड़ता था वो चीज़ करने की जरूरत नहीं। जो हमारे कारपेंटर भाई हैं उनके लिए मतलब बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा इसके साथ सर। हाँ जी, बहुत, मैं देख रहा हूँ इसका मतलब आपने जो बैग वगैरह भी बनाया है, तो बैग साथ में बहुत अच्छा बनाया है कि कारपेंटरों के लिए जो बाकी एक्सेसरी है वो भी साथ में वो कैरी कर पाए इस टूल के साथ। ठीक है सर, एक ये चीज़ है, इसको चेनसॉ मशीन बोलते हैं, अटैचमेंट है ये जी। ये ग्राइंडर के आगे लग जाती है पेड़ वगैरह काटने के लिए, लकड़ काटने के लिए, इससे आप कोई भी काम ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ये तो सर मेरी वन ऑफ द फेवरेट आपकी अटैचमेंट है ये वाली जी। हाँ जी, ये भी हम खुद तैयार करते हैं सारी जी सर जी। इसके बाद ये होस्ट मशीन आएगी जी सर, इसके बारे में मैंने सर बहुत सुना है, आप थोड़ा डिटेल में बताएं इसके बारे में। मिनी लिफ्ट,
ठीक है जी, ये मैं बताता हूँ कैसे चलती होती है ये मशीन। मेरे पास इसकी वीडियो है, मैं आपको सारा दिखाता हूँ, आप मेरे को एक मिनट का समय दीजिए। ये देखिए, ये हमारी मशीन है, ये इस पर मशीन लगाई हुई है हमने जी, और ये शिकंजा बनाते हैं, ये एज ए लिफ्ट काम करती है। एज ए लिफ्ट काम करेगी जो, मतलब प्रॉपर हमें लिफ्ट लगवानी पड़ती है उसकी ज़रूरत नहीं है। ये मशीन कैपेसिटी आएगी 500 किलो, 1200 किलो, 2 टन, 3 टन, 5 टन, 10 टन तक की कैपेसिटी की मशीन हमारे पास अवेलेबल है। मतलब जैसी भी अपनी ज़रूरत है फैक्ट्री में या किसी तरह भी जितने भी वेट के लिए ज़रूरत है तो उस हिसाब से ये शिकंजा रेडी हो जाएगा और ये मशीन वहाँ पर लग जाएगी। हाँ जी, ठीक है जी सर। अब आगे चलते हैं सर, ये सारे बॉश के डिस्टेंस मीटर आएंगे। ठीक है जी, आप देख सकते हो बॉश के सारे डिस्टेंस मीटर हैं। ठीक है, हमारे पास इसकी हाई एंड रेंज भी अवेलेबल होती है। सबसे महंगे मॉडल, ये जो मॉडल है बॉश का, ये 50C मॉडल जी सर, ये ब्लूटूथ वाला मॉडल है, ये फ़ोन से कनेक्ट होता है और इसमें फ़ोन से आप बाय कैमरा सारे डिस्टेंस ले सकते हो, सारे डिस्टेंस ले सकते हो। वाला चल रहा है बॉश का, ये भी हमारे पास अवेलेबल है। मतलब आप टेक्नोलॉजी, आप काम में टेक्नोलॉजी को लाने की, मतलब प्लम्बर हो, कारपेंटर हो, उनके लिए टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं। इसको बोलते हैं मल्टी डिटेक्टर जी सर। मान लो कोई हमारे मिस्त्री भाई ने दीवार वगैरह में सुराख मारना है तो पहले उनको प्रॉब्लम आती है कि दीवार में पाइप है, सोल के सुराख मारना पड़ता है। जी जी, लगता तो नहीं है, पाइप तो नहीं है, कहीं सीलिंग वगैरह तो नहीं हो जाएगी, लीकेज तो नहीं हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, डिटेक्टर है बेटर जी, ये सारा बताएगा। दीवार पर लगाते हैं कि लोहा कितनी दूर है, लकड़ कितनी दूर है और आयरन कितना, सब कुछ बताएगा कि दीवार में कितने डिस्टेंस पे क्या है, आप वहाँ पे ड्रिल मार सकते हैं या नहीं मार सकते। ये तो बहुत ही ज़्यादा काम का टूल है सर। अगर बहुत मामूली वैल्यू अराउंड 5000 रुपये की रेंज में, 5 से 5500 रुपये की रेंज में आता है ये बॉश। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है जी। बस सर, ये स्क्रू ड्राइवर मशीन होती है हमारे पास जी सर, स्ट्रेट स्क्रू ड्राइवर लोग बहुत मानते हैं, इसको सिंगल ऐसे यूज़ कर सकते, ये बहुत बिकने वाली चीज़ है, ये भी मशीन अपने पास है। मतलब इनका यूज़ जो मोबाइल एक्सेसरीज वाले हैं, कंप्यूटर वाले हैं, और ये पूरी हैवी मशीन है, स्क्रू ड्राइवर वाले नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है सर। और हमारे पास हर तरह के केमिकल अवेलेबल होते हैं जी सर, के हो गए, फिशर के हो गए, हर तरह के केमिकल्स हमारे पास, बारी केमिकल्स भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं। उस पर डिवॉल्ट हो गया, स्टैनली हो गया, हिटाची की ड्रिल, मकीता, हमारे पास ये डिवॉल्ट के सारे टूल्स होते हैं, हिटाची के सारे टूल्स, मकीता, इनकी रोटरी हैमर्स होगी सारी बड़ी कंपनी की जी, जी, ये स्टील कंपनी बहुत फेमस कंपनी है गार्डन टूल्स में जी, जी, इसका भी सारा गार्डन टूल हमारे पास होता है। बॉश के आप देख सकते हो सारा सामान, हिटाची, मकीता, डिवॉल्ट, ये ब्लैक टाइगर, हमने एक ये ग्राइंडर बनाई है, ये हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है इस ग्राइंडर की। मैं इसकी आपको खासियत बताता हूँ आम ग्राइंडर से इसमें क्या चीज़ खास है। इस ग्राइंडर में ये खास है, जैसे आप देख सकते हैं, पहले तो इसमें जो मोटर आएगी वो 1100 वाट की मोटर आएगी। अच्छा जी, फर्स्ट इस ग्राइंडर में ये खासियत है। ठीक, सेकंड खासियत इसमें ये है, ये डस्ट प्रूफ ग्राइंडर है। अच्छा सर, इसमें कोई भी डस्ट वगैरह नहीं पड़ेगी, कभी भी आप काम करते हो, आप झरी मारने का काम भी करते हो, डस्ट उड़ती है तो ये डस्ट प्रूफ ग्राइंडर है। तो थर्ड खासियत इसमें ये आएगी, इसके जो हेड में एक प्लेट है, डबल बैरिंग वाली प्लेट है। कल को अगर कोई भाई हमारा धक्का भी करता है इसको तो इसके आर्मेचर पर जोर नहीं पड़ेगा, इसमें तो बैरिंग है, जो एक्स्ट्रा बैरिंग होते हैं आम मशीन से वो भी इसके अंदर अवेलेबल है। मतलब मेरे आइडिया जहाँ तक है कि बॉश वगैरह इन ब्रांडों में भी सिंगल बैरिंग ही आता है सर, जो फ्रंट में, इसमें जो उसमें ये हेड नहीं आएगा। अच्छा, डस्ट प्रूफ ग्राइंडर आएगी। ठीक है, जो बॉश की ग्राइंडर भी आएगी 670 वाट की आएगी। ठीक सर, जो हमने ग्राइंडर तैयार की वो 1100 वाट की ग्राइंडर तैयार की है, काफ़ी हैवी ग्राइंडर जी। इसके हेड में भी हमारे सारे बैरिंग है, आप कोई भी कंपनी लोगे सारे बॉश आएंगे। ठीक है, ये आप 4 इंची 5 इंची मतलब सभी रेंज सभी बुलाते हैं, आपको 5 इंची ग्राइंडर भी दिखाता हूँ इसमें। ठीक सर, ये इसका 5G में प्रो मॉडल आएगा जी सर। ये आम ग्राइंडर जितनी भी होती है सारी मैक्सिमम 1400 वाट तक की होती हैं, ये जो हम ग्राइंडर बनाते हैं इसमें जो वाट आएगी 1750 वाट की मोटर आएगी इसमें ग्राइंडर में। और ये आम ग्राइंडर से बहुत हैवी है, इसका स्विच हैवी आएगा, हैंडल हैवी आएगा, इसे कार्बन भी सारे एच क्लास कार्बन होते हैं, हाई क्लास कोल होता है इसके कार्बन में, काफ़ी हैवी भी है सर। हाँ जी, पकड़ने से ही पता लग रहा है कि काफ़ी हैवी ग्राइंडर है ये। हाँ जी, बहुत हैवी क्वालिटी की ग्राइंडर है ये। ठीक है सर, और दिखाइए रेंज।